आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग जब इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो जाती है। और आप कैमरे की नज़र से देखेंगे कि जितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बधाई देने वालों का यहाँ पर ताता लगा हुआ है। बाबा राम केवल यहाँ पर है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी संगठनों के, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई फूलों से स्वागत कर रहा है तो कोई केक काटकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जन्मदिन मना रहा है और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों की जो है धुन पर लोग नाचते नजर आ रहे हैं। आप देखें कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं। और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद है। सर, जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में जनसमूह है, शक्ति प्रदर्शन विपुल गोयल का कहा जा सकता है इसे? विपुल गोयल ने कभी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। ये विपुल गोयल के प्रति फरीदाबाद के लोगों का प्यार है, क्योंकि ये फरीदाबाद के लोग कोई वोटर या जनता नहीं है, विपुल गोयल की फैमिली है। सर, फरीदाबाद में एक चर्चाएं और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से यहाँ लोग आए हैं कि भाजपा की टिकट पर लोकसभा की दावेदारी विपुल गोयल ठोक रहे हैं। देखिए, विपुल गोयल यहाँ पे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं ठोकता, यहाँ पर पार्टी तय करती है और जनता का प्यार तय करता है। जनता का प्यार रहा और मेरी पार्टी का आशीर्वाद रहा तो विपुल गोयल लोकसभा लड़ेगा। तो देखिए, विपुल गोयल यहाँ पर थे, लोगों का उत्साह। तो देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद है। हालांकि लोकसभा चुनावों में सांसद के लिए अपनी दावेदारी की बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा यदि कोई जिम्मेवारी सौंपेगी तो वे उसका निर्वाह जरूर करेंगे। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आज उनके जन्मदिन पर जिस तरह से भारी जनसैलाब उमड़ा है, राजनीतिक गलियारों में राजनीति जो है जरूर गर्मा गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में विपुल गोयल की ये सक्रियता क्या रंग लाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।